अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू किचन पार्लर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे, उन्हें लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और जो रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं उनकी पिक्चर्स लेके मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। तो चलो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज बहुत ही स्पाइसी हॉट फ्लेमिंग चीटोज़ चिकन टेंडर पॉप्स बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 पैक हॉट फ्लेमिंग रेड चीटोज़ लिए हैं। 500 ग्राम यानी आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है। मैंने इसको क्यूब्स में काटा है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे इसे स्ट्रिप्स में काट लें या जिस भी शेप में आप काटना चाहते हैं। हाफ कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक, 2 अंडे और 1 कप मैंने मैदा लिया है। अब मैं एक बाउल में चिकन क्यूब्स डाल दूँगी और चिकन को मैं नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर लगा के मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी। और इसे आपने कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि हमने इसके ऊपर चीटोस की कोटिंग करनी है, वो ऑलरेडी बहुत स्पाइसी होते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने वो मैरिनेशन के लिए रख दिया है। अब मैं ये चीटोस को क्रश कर लूँगी प्रोसेसर में, इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो ये देखें, इसका पाउडर बन गया। इसे अब मैं बाउल में निकाल लूँगी। ये देखें, मैंने चीटोस का भी पाउडर कर लिया है, चिकन को भी मैरिनेशन कर लिया है, और अंडे 2 मैंने लेके उन्हें अच्छे से फेंट लिए। अब मैं ये मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। इन्हें भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कोटिंग कैसे करनी है। अब मैं क्या करूँगी, एक क्यूब लूँगी चिकन का, उसे मैदे में डस्ट करूँगी, फिर अंडे में। और ये कोटिंग करने की एक टिप है, जिस हाथ से आप अंडा करें वही गीला हाथ आपने उसमें नहीं लगाना, वरना इससे हमारा वो बहुत ज़ाया होता है बैटर। इस हाथ से लगाया, चम्मच से उठाया और इसमें डाला, और दूसरा हाथ यूज़ करना आपने। इस तरह से हम सारे की कोटिंग करते जाएंगे। इस तरह से हम सारे क्यूब्स को मैदे में, फिर अंडे में और फिर चीटोज़ में करके कोट अच्छी तरह। आप चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, एक स्टेप और मैदे में, अंडे में, लेकिन मैं सिंगल कोटिंग ही कर रही हूँ। इस तरह मैं सारे पीसेस को कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से सारे चिकन पीसेस को कोटिंग कर दी है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। देखिए, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ना बिल्कुल गर्म ऑयल हो ना बिल्कुल ठंडा, मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था। और मैं एक एक करके इसको डालती जाऊंगी। और डालते साथ ही आपने फ़ौरन चम्मच नहीं मारना, वरना सारी कोटिंग उतर जाएगी। 2 से 3 मिनट इसे पकने देना, फिर आपने चम्मच मारना। ये देखें, 2-3 मिनट बाद मैंने चम्मच मारा, कलर चेक करें। मैं इसको ज़रा टर्न करूँगी। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगेंगे, ये दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और इंस्टेंट स्नैक है। ये फ्राई हो जाए तो मैं आपको इसके साथ बहुत मज़ेदार सी एक डिप सॉस बनाना भी बताती हूँ, उसके साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो ये देखें, इतना ज़बरदस्त कलर आया और ये फ्राई हो गया। मैं निकाल लूँगी। इसी तरह मैं बाकी के भी सारे फ्राई कर लूँगी। अब मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार सी आपकी गार्लिक मायो सॉस बनेगी। आप इसको चिकन के साथ जब खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, हाफ कप मैंने मायनीज़ लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने केचप लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप मस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है और पिंच ऑफ मैंने ब्लैक पेपर, काली मिर्च ली है चुटकी। तो इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी।
ये देखिए हमारे ज़बरदस्त स्नैक रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और इसके साथ ये देखिए मज़ेदार सी डिप सॉस, जिसे आप गार्लिक मायो सॉस भी कह सकते हैं, मस्टर्ड मायो सॉस भी कह सकते हैं। ये इसके साथ जब आप खाएंगे तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, किचन पार्लर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।